हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफेंस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डिफेंस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए रहने वाली हैं। कैसे कैसे आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, सब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कब से इसके फॉर्म लगना शुरू होंगे, कब इस लास्ट डेट है, सब पॉइंट्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड की, तो ये ग्राउंड आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें, जिसकी 30 साल तक एज है, अप टू 30 इयर्स, उनके लिए जो है 1600 यहाँ पर रेस रहने वाली है, जिसको आपको 6 मिनट्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करना है। बट अगर आपकी 30 से लेकर 40 के बीच में आपकी एज है, तो यहाँ पर 1600 आपके लिए रेस रहने वाली है सेम, और 7 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगर आपको 40 से लेकर 45 के बीच में आपकी एज है, तो यहाँ पर 1600 आपकी सेम जो है रेस रहने वाली है, बट उसको आपको 8 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और मेल, यहाँ मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर एक्स सर्विसमैन मेल है तो उनके लिए 1600 यहाँ पर रेस रहने वाली है, जिसको आपको 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। और अगर फीमेल्स कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात करें, तो जिसमें आपका अगर 13 ईयर तक एज है, तो यहाँ पर आपको 1600 मीटर जो आपकी रेस रहने वाली है, जिसको आपको 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। 30 से अगर 40 के बीच में है यहाँ पर, तो आपको 9 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आपकी 40 से लेकर 45 के बीच में अगर एज है, तो आपको 10 मिनट्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर आपको 12 मिनट्स के अंदर आपकी जो रेस है वो रनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन भी सेम रहने वाली है। बट यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर आप 10th पास भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है, तो देन आपके पास 10+2 होना जरूरी है, तभी आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 45 के बीच में आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। 20 से लेकर 45 के बीच में अगर आपकी एज है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अप्लाई करने की जो डेट है, आप 24th of January 2024 से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है आपकी 13th of February 2024 यहां पर रहने वाली है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपको मैं अगर बता दूं, तो आप ऑफलाइन बिल्कुल भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कौन से लिंक पर जाना है, यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा DGHGENROLLMENT.in, यहाँ पर इस लिंक के थ्रू आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी की सभी डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपको बता दी। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी में इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हो, तो यहाँ पर हिंदी से भी आप इसे रीड कर सकते हैं, बट मैंने इंग्लिश में आपको सभी के सभी चीज़ें जो अंडर कंसीडरेशन करवा दी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इनका क्या रहने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें, आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए और रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के होने चाहिए, जिसमें आपके पास एक उस दिल्ली का आपके एज ए रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो सकता है, या आपका इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है, या आपका करंट जो राशन कार्ड है उसे वो भी हो सकता है, या आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है उसे भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, तो या आपके पास सर्टिफाइड इशू कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे डोमिसाइल हो गया या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप उसे भी एज ए रेजिडेंट प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास 165 सेंटीमीटर जो है आपकी मेल की हाइट होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल्स हैं, तो 152 आपकी हाइट होना जरूरी है, तभी आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, अगर आपका फिर भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट से जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।